जगन्नाथ मंदिर की कुछ विशेष खासियत है जिसके कारण पर्यटक जगन्नाथ पुरी मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में एक जगन्नाथ मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है ऐसा प्राचीन काल से ही हो रहा है लेकिन अभी तक इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है दो जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है यह हष्टधातु से बना है इसे नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है लेकिन इसकी विशेषता यह है कि आप पुरी के किसी भी स्थान से खड़े होकर इस चक्र को देखें वह हमेशा आपको अपने सामने ही दिखाई देगा यह वास्तव में आश्चर्य का विषय है जो इसे खास भी बनाता है तीन मंदिर के ऊपर लगा झंडा रोजाना शाम को बदला जाता है खास बात यह है कि इसे बदलने वाला व्यक्ति उल्टा चढ़कर झंडे को बदलता है जिस समय झंडा बदला जाता है मंदिर के प्रांगण में इस दृश्य को देखने वालों की भारी भीड़ जमा होती है झंडे के ऊपर भगवान शिव का चंद्र बना होता है चार मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा प्रसादम को पकाने का अद्भुत और पारंपरिक तरीका है प्रसाद पकाने के लिए सात बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और लकड़ी का उपयोग करके इसे पकाया जाता है ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले और बाकी अंत में पकता है पाँच जगन्नाथपुरी में हवा की दिशा में भी विशेषता देखने को मिलती है अन्य समुद्री तटों पर प्रायः हवा समुद्र की ओर से जमीन की ओर आती है लेकिन पुरी के समुद्री तटों पर हवा जमीन से समुद्र की ओर आती है इसके कारण पुरी अनोखा है छह आमतौर पर किसी भी मंदिर के गुंबद की छाया उसके प्रांगण में बनती है लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद की छाया अदृश्य ही रहती है मंदिर के गुंबद की छाई लोग कभी नहीं देख पाते हैं सात वैसे तो हम अक्सर आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं लेकिन जगन्नाथ मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के गुंबद के ऊपर से होकर कोई पक्षी नहीं उड़ता है और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से होकर नहीं गुजरता है अर्थात भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है आठ हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है मंदिर के संचालक इसका अनुसरण करते हैं मंदिर जाने वाले लोगों की कुल संख्या हर दिन दो से दो लोगों के बीच होती है लेकिन मंदिर का प्रसादम रोजाना इस चमत्कारिक ढंग से तैयार किया जाता है कि कभी भी व्यर्थ नहीं होता है और ना ही कम पड़ता है इसे प्रभु का चमत्कार माना जाता है ऐसे अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए